हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास कि तीन मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास, ओके, और तीनों की रेडियस दे रखी है 6, 8 और 10, ठीक है ना, और इन तीनों को जोड़ के एक बड़ा मेटेलिक स्फीयर बनाया गया। वो कह रहे हैं कि उसकी रेडियस फाइंड आउट करो, उसकी रेडियस क्या करो, फाइंड आउट करो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा रेडियस वगैरह। इसकी रेडियस लेट आर वन मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स आर टू, और इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं आर थ्री, और इसकी रेडियस मान लेते हैं लेट कैपिटल आर। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 πr³, इसका क्या आ जाएगा 4/3 πr², 4/3 πr³, और इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 πr³, ओके। उसने क्या कहा है कि इन तीनों को जोड़ के वो स्फीयर बना दिया गया, तो इसका मतलब इन तीनों का वॉल्यूम का सम उसके अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इनके तीनों का वॉल्यूम जोड़ देते हैं हम लोग 4/3 πr³ प्लस 4/3 πr²³ प्लस 4/3 πr³, ओके, इज इक्वल टू 4/3 πr³। सिंपल है हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें से क्या करो, इन तीनों में से 4/3 πr² कॉमन निकल रहा है, 4/3 πr² क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, 4/3 πr² कॉमन आ गया। क्या बचा हमारे पास r³, r²³, r³³ इज इक्वल टू 4/3 πr³, ओके स्टूडेंट्स। अब जो ये है 4/3 πr² इस साइड जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और r₁, r₂, r₃ जो जो वैल्यू वो पुट कर देते हैं। r₁ की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 6, 8, 10, 6³ + 8³ + 10³ इज इक्वल टू r³, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये कितना आ गया 216 प्लस ये कितना हो गया 512 + 1000 इज इक्वल टू r³। तो r³ हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 1728, ओके 1728। ये इधर आएगा, ये 12 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स, किसका क्यूब होता है 12 का r³। तो पावर इधर आएगी, क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब को काट देगा तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। आई होप समझ आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम, तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, इक्वल टू उस बड़े वाले का वॉल्यूम रख दिया। रिकास्टिंग में वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।